वेलकम टू मेड बॉट बायो, दिस इज शिवानी मैम। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत शॉर्टेस्ट रिवीजन, एंड वो भी दो चैप्टर्स का। आज की वीडियो में हम लोग दो चैप्टर्स कवर अप करने वाले हैं। द फर्स्ट वन चैप्टर विल बी ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि आप लोगों को स्लाइड से ही समझ में आ रहा होगा। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर भी रिवाइज कराऊंगी। तो इस शॉर्टेस्ट वीडियो में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, आपको अपने नोट साथ में लेके बैठने हैं, प्लस आपकी एनसीईआरटी, जैसे मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताती हूँ, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ सिर्फ उसको ध्यान से सुनते चलना, आप लोगों को प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज बहुत शॉर्टेस्ट रिवीजन है। एंड इन दोनों चैप्टर से मिला के अगर मैं बात करूँ, 7 से 8 या फिर कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन भी इन दोनों चैप्टर से आ जाता है। तो इन दोनों चैप्टर का ही वेटेज बहुत अच्छा है, एंड दोनों चैप्टर्स में ही हम जनरली बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को मैंने सोचा कि हम लोग साथ में रिविजन कर लेते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हमें ये याद रखना है इसके अंदर कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, कौन सी वायरल, कौन सी प्रोटोजोन। तो डेटा आप लोगों के सामने है प्रॉपर, मेरे साथ साथ आप लोग याद करते हुए चलना है। बैक्टीरियल डिसीज कौन सी होती है बच्चों हमारे पास? टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, डाइसेंट्री, प्लाग एंड डिप्थीरिया, ये हमारे पास 5 बैक्टीरियल डिसीज है। वायरल डिसीज कॉमन कोल्ड, एड्स, प्रोटोजोन, मलेरिया, एमीबायोसिस, फंजाई, रिंग वॉर्म, हेलमिंथीज, एस्केरियसिस या फिर फाइलेरियसिस। तो ये हमारी डिसीज, अब डायरेक्ट यहाँ से मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। आपको प्लेग के बारे में दे दे कि भाई प्लेग बताओ कौन सी डिसीज है, तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियल डिसीज है, कॉमन कोल्ड वायरल डिसीज है। फिर नेक्स्ट आता है इनके एजेंट्स के ऊपर, एयर बॉर्न डिसीज, निमोनिया किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। कॉमन कोल्ड भी एयर बॉर्न डिसीज है। ऐसी कौन सी डिसीज है जो वैक्टर, जिनको अपना ट्रांसमिशन के लिए एक वैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, वो है हमारे पास मलेरिया एंड फाइलेरियसिस। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा PYQ में भी आया हुआ है, जनरली बच्चे इस क्वेश्चन को मिस कर देता है, हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रीडेटर के जैसे है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, बायोलॉजिकल प्रीडेटर, जैसे कि सपोज करो किसी भी पोंड के अंदर बहुत ज्यादा मॉस्किटोज वगैरह फैल चुके हैं, जो उसको इन्फेक्ट कर रहा है, वाटर बॉडी को बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड बना रहे, तो हम वहां पे क्या करते हैं, गैम्ब्यूसिया को छोड़ देते हैं। गैम्ब्यूसिया एक फिश होती है जो मॉस्किटो को लार्वल स्टेज में खाती है, मतलब जब मॉस्किटो लार्वल स्टेज में होता है तो उनको खाती है। अब मॉस्किटो को उनके लार्वल स्टेज में खा लेगी तो मॉस्किटो की अमाउंट कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ऐसे मैंने इसलिए लिखा इसको कि एक बायोलॉजिकल प्रीडेटर की तरह ये काम करते हैं। गैम्ब्यूसिया फिश है एक, जो मॉस्किटो लार्वा को फीड करती है। देन यहाँ तक फर्स्ट लाइट क्लियर। अब आते हैं हम लोग कुछ डिसीज के ऊपर, उन डिसीज के थोड़े से सिम्टम्स देखेंगे, प्लस उनके हम पॉजिटिव एजेंट्स यहाँ पे याद करेंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है टाइफाइड। बच्चा टाइफाइड किसके थ्रू फैलता है? हमारा सेल्मोनेला टाइफाइड, एंड ये एंटर होता है डायरेक्टली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हमें हाई फीवर हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, एंड कंफर्मेशन टेस्ट है इसका वायरल टेस्ट। सबसे पहले टाइफाइड किसको हुआ था? एक कुक थी हमारी जिसका नाम था मैरी मेलॉन, उनको इसीलिए टाइफाइड लेडी या फिर टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। पॉजिटिव एजेंट इनका टेस्ट अगर इन चार्ट में दिया हुआ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लस उनके सिम्टम्स। कॉमन कोल्ड का कोज करता है, कॉमन कोल्ड एक राइनो वायरस के थ्रू कोज होता है, ये हमारे नोज को या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 3 से 7 डेज का होता है। इसी के साथ आप पढ़ेंगे निमोनिया। निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट 2 हमें एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड और निमोनिया दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, कॉमन कोल्ड में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है, निमोनिया के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी, मींस यहाँ पे जनरली एल्वेलाई इफेक्ट होते हैं, एल्वेलाई के अंदर फ्लूड वगैरह फिल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का सिम्टम क्या है कि आपके जो लिप्स और नेल्स होंगे ना, वो ग्रे से ब्लूइश होने लग जाते हैं। तीनों डिसीज के बारे में क्लियर है। नेक्स्ट डिसीज आती है एमीबायसिस या फिर एमेबिक डिसेंट्री। इसका पॉजिटिव एजेंट है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अब ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या करता है? ये जनरली आपकी आरबीसीज को फीड करता है, या फिर क्योंकि ये जनरली सबसे पहले अफेक्ट होता है, मतलब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उससे पहले हमारे आरबीसीज खाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कोलोन,
कोलोन का म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पार्ट को फीड करना शुरू कर देता है। अब कोलोन को मतलब हमारे किसको डाइजेशन को ही कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब म्यूकोसा मतलब हमारे लाइनिंग्स को ये फीड कर रहा है, तो स्टूल के साथ यहाँ पे म्यूकस का भी सिक्रीशन देखा जाता है। इसका कैरियर कौन होता है? हाउस फ्लाइज होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास एस्केरियसिस। एस्केरियस या फिर राउंड वॉर्म के हम इसको बोल सकते हैं, इसके थ्रू ये आपका स्प्रेड होती है। एस्केरियस होती क्यों है? सपोज अगर हमने कोई भी ऐसा वाटर ड्रिंक कर लिया है, ओपन एयर में रखा हुआ था, जिसके अंदर आपके एस्केरियस के एग्स वगैरह प्रेजेंट थे, उसकी वजह से डिसीज हो जाता है। ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा, इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा आपका, मस्कुलर पेन कोज कर सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट डिसीज आते हैं एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस याद रखना है, एलिफेंट जैसे इसके अंदर लोअर लिम्स हो जाते हैं या फिर जेनाइटल ऑर्गन्स हो जाते हैं, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या देखी जाती है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। किसके थ्रू होता है? वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी के थ्रू होता है। तो कौन कौन सी डिसीज? टाइफाइड, सेल्मोनिना टाइफाइड, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, एमीबॉइसिस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एस्केरिसिस, एस्केरियस, एलिफेंटाइसिस, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, या फिर इसी को ही हम फाइलेरियासिस भी बोल सकते हैं। डन सारी डिसीज, यही डिसीज हमारी एनसीईआरटी ने दी हुई है। नेक्स्ट आती है हमारी रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म किसके थ्रू होती है? फंजाई के थ्रू होती है। माइक्रोस्पोरम या फिर ट्राइकोफाइटोन या फिर एपिडर्मोफाइटोन। इसके अंदर क्या, जनरली टॉवल्स वगैरह शेयर करने में, क्लोथ्स वगैरह शेयर करने में इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तब ये डिसीज हो जाती है। इसके अंदर आपका इंटेंस इचिंग होती है, ड्राई स्केली लेसन्स आपकी बॉडी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, एंड रिंग वर्म बहुत ज्यादा ग्रो करता है जितना ज्यादा उसको हीट एंड मॉइस्चर मिलता है। नेक्स्ट डिसीज आती है हमारे पास डिप्थीरिया। ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है बच्चों, एंड ये डिसीज कौन कोज करता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये क्या कोज करता है? आपका म्यूकस मैम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, नोज और जनरली आपके थ्रोट को। ऐसा फील होता है कि जैसे आपको बहुत ज्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा है, राइट। फिर नेक्स्ट डिसीज आती है हमारे पास मलेरिया। मलेरिया के बारे में तो सब अवेयर होंगे। मलेरिया किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। प्लाज्मोडियम की तीन स्पीसीज के बारे में हमें बताया गया है, प्लाज्मोडियम वाइविक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, जिसमें हमारा प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम मोस्ट कॉमन है। अब प्लाज्मोडियम आपका इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को, तो ह्यूमंस हमारे पास एक होस्ट हो गए। इसके अलावा ये मॉस्किटो की बॉडी के अंदर रह रहा है। कौन मॉस्किटो है हमारे यहाँ पे? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो इसका मतलब मलेरिया को दो होस्ट चाहिए, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। ह्यूमन हमारा यहाँ पे कौन सा होस्ट होगा? सेकेंडरी या इंटरमीडिएट, दोनों होस्ट उसको बोल देता है। मॉस्किटो हमेशा प्राइमरी होस्ट होगा। आपका प्लाज्मोडियम किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा किस स्टेज में? स्पोरोजॉइट स्टेज के अंदर, मतलब ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। जैसे ही स्पोरोजॉइट स्टेज में ये किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर हुआ, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? आपके लीवर में जाएगा, लीवर में मल्टीप्लाई करेगा। तो मतलब कैसी फेज आएगी लीवर के अंदर? एसेक्सुअल फेज वहां पे देखने के लिए मिलेगी। लीवर के अंदर बहुत मल्टीप्लाई करेगा, अब उसको खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिएगा। किसको अफेक्ट करेगा? आपके आरबीसी को अटैक करेगा। आरबीसी को अटैक करेगा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होगा, हीमोग्लोबिन में से सारा ग्लोबिन वाला पार्ट वो खा लेगा, हीम को इकट्ठा कर देगा। हीम वाला पार्ट वहीं पे मिलके आपका हीमोजोइन बना लेगा। हीमोजोइन की वजह से ही मलेरिया के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे कि चिलनेस हो जाता है, हाई फीवर होता है, पीरियोडिक हाई फीवर होता है, मतलब 2 से 3 दिन या 4 दिन या 2 दिन इसके टाइम पीरियड में होता है ये। नेक्स्ट आता है चिकनगुनिया और डेंगू। डेंगू आपका क्या है? ये दिस इज द टाइप्स ऑफ फीवर जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फीवर्स होते हैं, बट इनके कॉजेटिव एजेंट्स अलग होते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है? आपका एड्स मॉस्किटो के थ्रू आपका फैलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, तो पहली स्लाइड एंड सेकेंड स्लाइड दोनों की दोनों स्लाइड आई है, आई होप सबको क्लियर होगी। फिर इसके बाद आते हैं हमारा इम्यूनिटी पार्ट के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हम बाय बर्थ एक्वायर करते हैं, एक्वायर्ड जो हमारी आफ्टर बर्थ हमें मिलती है। अब बाय बर्थ हमें कोई चीज मिल रही है तो स्पेसिफिक नहीं होगा कि भाई हमें मलेरिया के लिए मिल रही है, मतलब बैक्टीरियल डिजीज के लिए मिल रही है या वायरल के लिए, फंगस के लिए, भाई वो सब में काम करती है। इसका मतलब वो नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन एक्वायर्ड वाली जो होती है स्पेसिफिक होती है। सपोज मैंने एक टाइप की इम्यूनिटी ली तो उसे बैक्टीरिया के लिए काम करेगी, वायरस के लिए काम नहीं करेगी। नॉन स्पेसिफिक में मतलब इननेट इम्यूनिटी में 3 टाइप के बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। फिजिकल बैरियर, सबसे पहले मेरे को कौन बचा रहा है मेरी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर होने से? सबसे पहले स्किन बचा रही है। सपोज स्किन के थ्रू एंटर भी हो गया तो हमारे ईयर्स के अंदर, नोज के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिस म्यूकस के अंदर वो पार्टिकल ट्रैप हो सकता है।
फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर एचसीएल प्रेजेंट होता है, वो हमारे एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी दिखाता है, स्लाइवा होता है, टीयर्स होता है, टीयर्स के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, लाइजोजाइम होता है, यूरिन होता है, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह वर्क करते हैं। अब इसके बाद मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स है, अगर कोई से बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया उसको किल करने का काम करती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, एनके सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएमएनएल। फुल फॉर्म याद रखनी है बच्चों, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। फिर साइटोकाइन बैरियर, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स सिर्फ और सिर्फ कब काम करता है, ये आपका वायरल डिसीज के टाइम पे काम करता है, सपोज हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस की एंट्री हुई तो ये इंटरफेरॉन, मतलब जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो अपने अंदर से इंटरफेरॉन रिलीज करता है और नियर अबाउट जितनी भी सेल्स होती है उनको जाके अवेयर कराता है कि भाई एक वायरस एंटर हो चुका है, उसने एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया, आप अपने अंदर एंटीवायरल प्रोटीन का सिंथेसिस कर लो। ऐसे होता है, इननेट में चार टाइप के बैरियर से चारों याद रखने हैं। फिर आफ्टर बर्थ हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव में मेजर डिफरेंस यही होता है, एक्टिव का मतलब होता है कि भाई हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, पैसिव में हम बाहर से एंटीबॉडीज लेंगे। एक्टिव में भी दो टाइप आ गए, नेचुरल मतलब नेचुरली मेरी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, सपोज मेरे को किसी चीज का इन्फेक्शन हुआ उसके अगेंस्ट पहले फर्स्ट टाइम में हमेशा मैं इफेक्ट रहूंगी, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ, फिर सेकेंड टाइम में जैसे इन्फेक्शन होगा उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाएंगे, तो इसके लिए ये क्या है, एक नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, बिकॉज मेरी बॉडी ने को नेचुरली इन्फेक्शन हुआ एंड मैंने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली अपनी बॉडी में। आर्टिफिशियल के अंदर ये होता है कि भाई हम उसको पहले से क्या करते हैं, आपका जो किल्ड बैक्टीरिया या फिर कोई भी किल्ड पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं, जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनवाती है। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन, कोई भी एंटीजन हम एंटर कराएंगे किल्ड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में, फिर उसके अगेंस्ट मतलब आर्टिफिशियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कराएंगे, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल, क्योंकि आर्टिफिशियल इन्फेक्शन हुआ, एक्टिव बॉडी ने इम्यूनिटी खुद से बनाई, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ हुआ। इसमें जनरली वैक्सीनेशंस, वैक्सीनेशंस के अंदर यही होता, कोई मेडिसिन नहीं होती, सिर्फ इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस उसके अंदर होता है, टीटनस हो गया या फिर आपका पोलियो हो गया। फिर आता है पैसिव, पैसिव का मतलब बाहर से एंटीबॉडीज लेंगे, नेचुरली मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज कहाँ से जाएगी, बाय मदर मिल्क IgA, या फिर आपका यहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू भी एंटर होती है, कौन सी एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी। आर्टिफिशियली मेरी बॉडी को डॉक्टर क्या देंगे, एंटीबॉडीज देंगे, जैसे कि सपोज मेरे को स्नेक ने बाइट कर लिया, तो स्नेक बाइट के टाइम पर ये थोड़ी ना कि भाई मैं वेट करूंगी कि मेरी बॉडी के अंदर खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो उसके अगेंस्ट, तब तक तो मैं मर जाऊंगी ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उसको सेम टाइम पे हमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देनी पड़ेगी, जो कि आएगा हमारे आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एंटीविनॉम में हम इसका यूज करते हैं। टोटल मेरे पास पांच टाइप की एंटीबॉडी होती है। अब मैं बहुत ज्यादा एंटीबॉडी एंटीबॉडी टर्म यूज करी, एंटीबॉडी सबको पता है कि एंटीबॉडी के अंदर क्या होती है, दो हैवी चेन्स होती हैं, दो लाइट चेन्स होती हैं, और उसके अंदर एक साइट होती है पैराटॉप साइट, जिसके आप ऊपर आके हमारा एंटीजन बाइंड करता है, एंटीजन के ऊपर होती है एपिटॉप साइट, एंटीबॉडी के ऊपर पैराटॉप साइट, एंटीजन के ऊपर एपिटॉप साइट, और हैवी चेन और लाइट चेन आपस में कनेक्टेड होती है डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू। फाइव टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में मेरी बॉडी के अंदर IgG, फिर IgA, फिर IgM, देन IgD एंड सबसे कम अमाउंट में IgE। IgE याद रखना है बच्चों, एलर्जी फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। IgD बी लिम्फोसाइट बनाने में हेल्प करती है। IgM आपका हेवीएस्ट एंटीबॉडी है। IgA कोलेस्ट्रॉल मदर मिल्क से मिल रही है, IgG मेरे को प्लेसेंटा से मिल रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर इसके बाद आता है कि भाई इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड। ह्यूमरल मतलब में जो मेरी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट है, दो टाइप के सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी मतलब बोन मैरो, टी मतलब थाइमस। बोन मैरो के अंदर आपका बी और टी दोनों टाइप के लिम्फोसाइट बनेंगे, फिर थाइमस के अंदर सिर्फ टी लिम्फोसाइट जाएगा, वहां जाके मेच्योर होगा, इसलिए उसका नाम टी लिम्फोसाइट। बनते दोनों बोन मैरो के अंदर है। इन दोनों का काम होता है सिर्फ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराना। फिर सेल मेडिएटेड के अंदर आता है कि भाई हमारे सिर्फ टी लिम्फोसाइट वर्क करता है वहां पे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI ही भी इसको बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट का काम कोई एंटीबॉडी बनाना नहीं होता, सिर्फ वो बी लिम्फोसाइट को हेल्प करती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज बनवाओ। एंड अगर आप लोगों ने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करा लिया है,
विदाउट एनी आपने ब्लड डोनर चेक नहीं किया कि किस डोनर से आप उसका आपका MHC भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिना इन सब कंसर्न्स को चेक किए अगर आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा लिया है तो आपका CMI आपके उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर टिश्यू ग्राफ्टेशन में भी यही होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पे, क्लियर आ गया जाओ। फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई एंटीजन कैसे वर्क करता है, वो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, हमारे बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएंगे, अपने अंदर से दो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, प्लाज्मा सेल्स। जब मेरी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी एंटीजन मेरी बॉडी के अंदर आया, मतलब फर्स्ट अटैक जब हुआ मेरी बॉडी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे, एंटीबॉडी उसको किल कर देंगे, फर्स्ट टाइम मेरे को इन्फेक्शन भी हो जाएगा। फिर जब सेकेंड टाइम हमारी बॉडी के अंदर सेम पैथोजन एनकाउंटर करेगा, फर्स्ट एनकाउंटर में एंटीबॉडीज बने हमारे, सेकेंड एनकाउंटर के अंदर आपका क्या हो जाता है बच्चों, सेकेंड एनकाउंटर में हमारी मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं एंड वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंडरी इम्यून, इसी को हम एनामनेस्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं, एनामनेस्टिक इफेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का होता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट इफेक्ट। क्लियर, हमारे पास दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो होते हैं, बोन मैरो जिसके अंदर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोनों बने थे, थाइमस के अंदर जाके सिर्फ टी लिम्फोसाइट मेच्योर हुए थे। थाइमस कहाँ पे, हर्ट के पास प्रेजेंट होता है, बीनीथ चेस्ट बोन, NCERT ने लिखा हुआ, तो एक एक डेटा आपको याद होना चाहिए। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर काम क्या होता है, मैच्यूरेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। फिर ये अपना फंक्शनिंग, मतलब किसी एंटीजन के साथ इंट्रैक्ट करेंगे पैराटोप एपिटोप साइट्स के थ्रू, वो फंक्शनिंग होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर, जिसमें है स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पेचेस एंड अपेंडिक्स। ये क्या है, दिस इज द साइट ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिम्फोइड नोड्स भी आ जाते हैं। ऐसे एक लिम्फोइड टिश्यू हमारा NCERT ने लिखा MALT, जिसका नाम है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसका क्या कंट्रीब्यूशन है भाई, ये हमारे जितनी भी जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, यूराइनल ट्रैक्ट होगा, रेस्पिरेटरी, उसको लाइनिंग करके रखता है, लाइनिंग दे मतलब एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये। तो ये जनरली हमारा अगर हम पूरा लिम्फोइड टिश्यू देखना तो 50% MALT ही होता है, उसके अलावा जितने बच गए पेयर्स, पैचेस, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, ये सब होता है। फिर स्प्लीन के बारे में हमारी NCERT लिखते हैं कि भाई स्प्लीन इज द रिजर्वॉयर ऑफ RBC, RBC का रिजर्वॉयर है एंड बहुत लार्ज साइज होता है एंड बीन शेप होता है। इसके अलावा थाइमस, हमें पता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं थाइमस का साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं थाइमस का साइज रिड्यूस होता चला जाता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है। ऑटो इम्यून डिसीज वो डिसीज होती है जिसमें बॉडी अपनी खुद की सेल्फ सेल्स को अटैक करती है, मतलब आपकी फॉरेन सेल्स और हमारी बॉडी की जो सेल्स है उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है, तो हमारी खुद की सेल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं उन्हीं को फॉरेन समझ के, एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। फिर इसके बाद NCERT ने एक चीज लिखा है कि भाई रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी। पहली एक वैक्सीन बनाई गई थी हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन, जिसको हमने ईस्ट से बनवाया था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा भाई एलर्जी क्या होता है। एलर्जी इज द एग्जग्रेटेड रिस्पॉन्स, मतलब अचानक से मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाती है, स्नीजिंग होने लग जाता है, कफिंग होने लग जाता है, उसको बोलते हैं एग्जग्रेटेड रिस्पॉन्स। इसके अंदर भी जैसे जैसे ऑटो इम्यून के अंदर होता है, कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि भाई ऐसे पार्टिकल्स जिनसे मेरी बॉडी को कोई हार्म नहीं है, वो जैसे मेरी बॉडी के अंदर एंटर होता है, मेरा इम्यून सिस्टम उसको उसको क्या, एक फॉरेन पार्टिकल, एक एंटीजन समझ लेता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो मैस सेल्स होती हैं वो केमिकल सिक्रेट करने लग जाते हैं एस्टामाइन और सेरिटोनिन। उस टाइम पे कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, IgE एंटीबॉडी, जो अभी मैंने बताया था एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस टाइम पे हम लोगों को ड्रग्स क्या लेनी है, एंटी हिस्टामाइन ले सकते हैं, एड्रेनलिन ले सकते हैं, या फिर हम लोग स्टीरॉइड्स ले सकते हैं। जस्ट एक मिनट, लो एंड स्लाइड पे जो जो चीजें मैंने लिखी हुई है एक बार उनको चेक करो कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देन विल मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। हो गया, चलो आगे।
फिर आता है बच्चों हमारे पास एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहली चीज, ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1981 में। किसके थ्रू होता है ये? आपका एचआईवी के थ्रू होता है। एचआईवी इज द ग्रुप ऑफ वायरस, रेट्रोवायरस का ये ग्रुप है एचआईवी। ठीक है, किस किस को अफेक्ट करता है? आपकी मैक्रोफेजेस को अफेक्ट करता है, देन आपके टी लिम्फोसाइट का काउंट बहुत ज्यादा कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको कोई छोटा सा भी इन्फेक्शन होता है, कोई छोटी सी भी वायरल डिसीज या कुछ भी, बहुत जल्दी हो जाता है। मीन्स आपका पूरा इम्यून सिस्टम यहाँ पे अफेक्ट होता चला जाता है। क्लियर? फिर आता है कि हमारा एड्स के लिए आपको लोगों को अवेयर कराना, एजुकेट कराना लोगों को। किसने शुरू किया था? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जिसके अंदर लोगों ने ये बताया था कि एड्स से बचने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, एड कैसे स्प्रेड होता है, आपका फिजिकल कॉन्टेक्ट से आपका स्प्रेड होता है, जनरली फ्लूड्स वगैरह एक्सचेंज हो गए या फिर निडल्स एक्सचेंज हो गए, इन सब केसेस में एड्स हो सकता है। इसका टाइम लैग, मतलब आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर होना एंड आपका फर्स्ट सिम्टम प्रोड्यूस होना, उसके बीच के टाइम पीरियड को बोलता है टाइम लैग। उसमें 5 से 10 ईयर्स लग सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट होता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, हम इसे ले सकते हैं, लेकिन ये लेस टाइम के लिए इफेक्टिव होता है, लॉन्गर पीरियड के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को एड्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे कैंसर पे। कैंसर में हम लोगों को पता है कैंसर कोई डिसीज नहीं होता। हमारी जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स है, हर एक सेल के अंदर एक पावर होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। मतलब एक सेल है, उसके साइड में जो दूसरी सेल है तो वो कॉन्टेक्ट में इनहिबिट करेगी दूसरी सेल को, कि भाई जो दूसरी वाली सेल है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ना दिखाए। क्यों अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ना दिखाए? बिकॉज उसके कॉन्टेक्ट में ऑलरेडी दूसरी सेल है, उसके पास इतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि वो ओवर ग्रोथ करने लग जाए। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। जब एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टेक्ट में होती है, एक दूसरे को इनहिबिट करती है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कराने से। लेकिन जब हमारी ये सेल्स इस एबिलिटी को लॉस कर देती है, किसकी वजह से करती है? कार्सिनोजेंस की वजह से। कुछ कैंसर कोजिंग एजेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल्स के कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को लॉस्ट करा देते हैं, उसकी वजह से जो सेल है वो क्या करने लग जाएगी? ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रोक रहा था, लेकिन कॉन्टेक्ट इनहिबिशन गया, सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो मतलब हमारी सेल्स कैसी बन गई? कैंसर सेल्स बन गई, जिसमें सेल्स का एक बहुत बड़ा मास बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर दो टाइप से हो सकते हैं, बेनिग्न ट्यूमर जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में नहीं स्प्रेड होगा, ये लेस हार्मफुल होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा? ये स्प्रेड होगा ऑर्गन टू ऑर्गन, ब्लड के थ्रू जनरली स्प्रेड होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टेसिस। कैंसर कॉजिंग वायरस, ऐसे वायरस जो कैंसर कोज करते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, और उन वायरस के अंदर जो जीन है रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन। ठीक है, अगर हमें कैंसर को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करानी होगी। सीटी स्कैन करा सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक्सरेज यूज करते हैं, या रेडियोग्राफी के थ्रू, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है। अगर मेरे को किसी लिविंग टिश्यू के अंदर देखना है कि भाई वो कैंसरस हो रहा है नहीं हो रहा है, कैंसर है उसके अंदर या नहीं है, ये मेरे पास डिटेक्शन मेथड है। फिर आता है मेरे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए सबको पता है हम लोग सर्जरी करा सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी में जनरली क्या किया जाता है? ट्यूमर सेल के जो आसपास वाली सेल्स है उनका ध्यान रखा जाता है कि आसपास वाली जो सेल्स है वो कैंसरस ना बन जाए। कीमोथेरेपी होता है जिसके अंदर हम केमिकल्स वगैरह के थ्रू कैंसरस सेल्स को किल करा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम और ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, कैंसर सेल्स को खुद ही किल कर दे। उसको हम बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन्स के थ्रू हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर कैंसर। फिर आता है हमारे पास बच्चों का मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो लगता है यहाँ पे, विच वन इज आपका ड्रग्स। तो देखो अब ड्रग्स भी ना मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ बच्चों। ड्रग्स में क्या है, जनरली हमारे पास चार टाइप के, तीन टाइप के जनरली ड्रग्स पड़नी है। सबसे पहले आते हैं ओपोइड्स। ओपोइड्स के रिसेप्टर कहाँ पे, मतलब सबसे पहले मैं याद तो कर लिया कि भाई ये ड्रग है, ठीक है, इसका हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर कहाँ पे, कहाँ से मुझको ये मिल रही है और क्या काम कर रही है। ठीक है, तो ओपोइड्स का रिसेप्टर है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओपोइड को हम कैसे लिखते हैं? एच एम पापा, ऐसे याद रखना, एच एम पापा, मतलब हम पापा, हम पापा के साथ कहीं जाएंगे या फिर ओपी जाएंगे या जैसे सीपी सीपी जाएंगे, ऐसे याद है ओपी या सीपी, हम पापा के साथ सीपी मतलब ओपी, हम मतलब होता है हीरोइन। हीरोइन इज ऑल्सो नोन एज स्मैक। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन को कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे हम उसको प्रोड्यूस करेंगे? बाय द
एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, बहुत क्वेश्चन आता है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हम लोग हीरोइन या स्मैक बना सकते हैं, ठीक है। मॉर्फिन को हम एक सेडेटिव या फिर पेन किलर की तरह भी यूज किया जाता है। सपोज अभी भी किसी पेशेंट को सर्जरी हुई है, तो भाई सर्जरी ऑब्वियसली बात है उसको पेन हो गई होगा, तो उस टाइम पे हम आप उसको मॉर्फिन दे देते हैं। मॉर्फिन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉर्फिन को हम पापा मतलब पापावर सोमनीफेरम के लेटिक्स से हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। अब ओवॉइड को लिया कैसे जाता है, हमारे स्नॉटिंग मेथड के थ्रू। ये हमारे इसके रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे होंगे। काम क्या करेंगे, हम एकदम डिप्रेसेंट की तरह फील कराएंगे, हमारे बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन, बिल्कुल शांत हम लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। जनरली जितने भी माइंड पेशेंट्स होते हैं हमारे, उनको ये ड्रग्स दी जाती है। नेक्स्ट आता है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर है हमारे ब्रेन में, इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कैनाबिस सटाइवा से। कैनाबिस सटाइवा के फ्लावर टॉप या फिर लीव्स या रेजिंस, इनसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैनाबिनॉइड्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कैनाबिनॉइड्स नाम याद रखना, कान कान पर ना बच्चों को बोलते थे थप्पड़ की, आज ज्यादा मत बोलो नहीं तो तुमको कान पे एक थप्पड़ लगेगा, ऐसे यहाँ पे याद रखना है। कान पर मारेगा आशीष, क्योंकि वो लेता है क्या, चरस गांजा। कान पर मारो आशीष के, क्योंकि वो लेता है चरस गांजा। मार मारी ज्वेना, आशीष हशीष, चरस चरस गांजा गांजा। इनको हम कैसे रिसेप्टर ब्रेन में है लेते कैसे है, इनहेलेशन या फिर आपका ओरल इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली। इफेक्ट कहाँ पे करते हैं, आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को ये अफेक्ट करते हैं। ये हुआ ओपॉइड्स एंड कैनाबिनॉइड। याद रखना है हम पापा के साथ ओपी जाएंगे तो सीपी जाएंगे, हम हीरोइन स्मैक डाइसिटाइल मॉर्फिन एम मॉर्फिन एसिटाइलेशन से मिलेगा हीरोइन, पापा सपावर सेमनीफेरम। क्लियर यहाँ तक, चलो फिर आता है मेरे पास कोका एल्कलॉइड, जिसको हम कोकीन कोक या क्रैक, इन सब डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, इसको हम ऑब्टेन करते हैं एरिथ्रोजाइलम कोका से, जो कि एक नेटिव है साउथ अमेरिका का। कोका डोपा, नाम सुनने में एक से ज्यादा लग रहा है, कोका डोपा। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है या नहीं है हमारे सबके बॉडी के अंदर, तो ये क्या करता है, डोपामाइन के काम में इंटरफेयर करता है, कि भाई डोपामाइन को निकलना है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करेगा, उसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर कर देता है कोका सिर्फ, क्योंकि हमारा एक्ट करता है किसके ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंस ऑफ यूफोर्बिया, यूफोर्बिया मतलब अपने ही भ्रम में जीना, और आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा यूज कौन करेंगे, स्पॉट पर्सन यूज करने वाले हैं। इसके अलावा हेल्यूसिनेशंस भी हमारे पास कराने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं, हेल्यूसिनेटिंग प्लांट्स हम जिसको बोलते हैं, हेल्यूसिनेटिंग प्लांट। दो एग्जाम्पल याद रखना है, HBD, H मतलब हेल्यूसिनेटिंग प्लांट्स, H जैसे होता है शॉर्ट में लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे HBD, HBD टू यू, या फिर HBD किसी का भी नाम लिख दो आगे, तो H मतलब हेल्यूसिनेटिंग प्लांट, B4 बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना इसका पूरा नाम है, एंड D4 आपका धतूरा। स्पोर्ट पर्सन जनरली इसको याद करते हैं। फिर इसके अलावा एक और होता है हमारे पास टोबैको। टोबैको के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है। ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है, मतलब उसको स्टिमुलेट करता है कि भाई आप अपने अंदर से हॉर्मोन्स रिलीज करो, कौन से, एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन। एड्रीनलिन नॉरएड्रेनालिन क्या काम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ड्रग्स हैं जो उनको हम इंसोमिया फिर डिप्रेशन के टाइम पे ले सकते हैं। चार ड्रग्स के नाम याद रखना है, बारबिट्यूरेट, एम्फिटामाइन, बेंजोडिएज़ेपिन या फिर आपका LSD। बारबिट्यूरामाइन, एम्फिटामाइन, बेंजोडिएज़ेपिन या फिर LSD। इसके अलावा जो हमने अभी टोबैको में बताया, भाई स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग हमारे ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के कंटेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, एंड हमारी जो ऑक्सीजन की एफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, वो डिक्रीज हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है एंड ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाती है। तीनों याद हो गए बच्चों, देखो ऑफॉइड्स मैंने आपको बता दिया क्या काम करता है, बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन करता है, हम पापा कैनाबिनॉइड हमें बताया, कैनाबिस सटाइवा, फिर कोका एल्कलॉइड एरिथ्रोजाइलम कोका से ही हमें मिलता है, कोका डोपा के साथ इंटरफेयर करता है, HBD हेल्यूसिनेशन, एट्रोपा बेलेडोना एंड D4 धतूरा। क्लियर, फिर आते हैं हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के, थोड़ा सा डेटा मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि अगर मेरे को भाई मिल्क से कर्ड बनाना है, मिल्क से कर्ड बनाना है तो कर्ड के अंदर विटामिन B12 की को बढ़ाना है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं हुआ, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, कौन सी डिजीज हो जाएगी, परनीशियस एनीमिया।
इसको काम को कौन करता है, लेक्टोबेसिलस जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। फिर आता है मेरे पास बेकर ईस्ट। बेकर ईस्ट के लिए मेरे पास प्रेजेंट है सिक्रोवाइसिस सेरेविस, ईस्ट है एक। स्विस चीज को बनाने के लिए प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। रॉकीफोर्ट चीज को किससे बनाएंगे हम, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है। ब्यूटायरिक एसिड किससे मिलेगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिशियम से मिलेगा। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से। स्ट्रेप्टोगाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से मिलेगा, जिसका काम क्या होता है, क्लॉट बस्टर, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइम पे आपके हार्ट में कहीं पे क्लॉट बन रहा है तो उस क्लॉट को ये डिजोल्व कराने का काम करता है। कौन, स्ट्रेप्टोगाइनेस एंजाइम है। किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। फिर आता है मेरे पास साइक्लोस्पोरिन एक। किससे मिलता है मेरे को, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी, बायो फर्टिलाइजर की तरह भी ये काम करता है। इसको हम इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं। स्टेटिन मोनेस्कस परफ्यूरिसस जो कि एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है। पेनिसिलियम नोटेटम से हमें क्या मिलता है, एंटीबायोटिक मिलती है पेनिसिलिन, जिसको सबसे पहले यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर। फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट चेन भी यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर कर दिया था। किसके ऊपर काम कर रहे थे ये, स्ट्रेप्टोकोकी के या फिर स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर बात कर रहे थे। ये डेटा है आपका जो कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोगों को पता है दो मेथड्स होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन दो प्रोसेस करा के प्राइमरी स्लज बना देते हैं। फिर प्राइमरी स्लज के ऊपर हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराते हैं फोल्क्स की हेल्प से। फॉल्क्स क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, मासेज ऑफ बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने फंगल फिलामेंट्स को एसोसिएट करा दिया। फिर जितनी ज्यादा वाटर की बीओडी होगी उतने ही ज्यादा वो पॉल्यूटेड होगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट में हम कब तक वाटर को ट्रीट करेंगे, जब तक उसका बीओडी रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक हम उसको वहां पे ट्रीट करेंगे। एंड में मेरे को वहां पे क्या मिलता है, आपको बायोगैस मिलता है। बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ थ्री गैसेस, मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसने हमारा ये जो पूरा सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह प्रोसेस है, बायोगैस को हम एग्रीकल्चर वगैरह में यूज करते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट इस सब पे डील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बायोगैस प्लांट लगाने चाहिए, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये यहाँ तक हमारा क्लियर। फिर इसके बाद आता है कि हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स की तरह हम किस किस को यूज कर सकते हैं, पहला पेस्ट पे लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं एफिड्स और मॉस्किटो से अपनी क्रॉप को अपने फील्ड को बचाने के लिए। ऐसे ही मेरे पास होता है एक बैक्यूलो वायरस जिसका नाम है न्यूक्लियो पोलीहेड्रो वायरस। बहुत क्वेश्चन आता है बच्चे उसके ऊपर, ये कैसा एक आपका बायो कंट्रोल एजेंट है, स्पीसीज स्पेसिफिक, जो एक पर्टिकुलर टाइप के स्पीसीज पे ही वर्क करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन दिखाता है। फिर माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट बेसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, इसके ऊपर जिसको हम बहुत नाम से जानते हैं बीटी कॉटन, ये हम लोगों को बना के देता है। सॉर्टेड यहाँ तक दोनों चैप्टर्स का आई होप प्रॉपर रिवीजन आप लोगों के लिए हो गया होगा। इसके अलावा बस ये बचता है बच्चों, एक बार सिर्फ 15 मिनट लेके एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से देख लेना, देन दो चैप्टर आप लोगों के डन यहाँ पे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड आप लोगों को चीजें समझ में भी आई होगी। तो अब बच्चों आप अपना प्रॉपर रिविजन रखो, आप मैं सजेस्ट करूंगी इसके बाद एक बार बायोटेक रिवाइज कर लो, रिप्रोडक्शन यूनिट रिवाइज कर लो। ऐसे ही धीरे धीरे चैप्टर्स को रिवाइज करते, खुद आप कुछ चैप्टर आप खुद से करना, कुछ चैप्टर्स रिवाइज कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब अगर वीडियो पसंद भी आया है तो वीडियो लाइक कर देना एंड प्लीज शेयर करना विद ऑल योर नीट एस्पिरेंट्स, जितने भी आपके कांटेक्ट में फ्रेंड्स हैं जो आपका नीट के लिए प्रिपेयर करें, सो दैट उनका भी प्रॉपर रिविजन हो पाए। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।